आज हम आपको मिलवाते हैं आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक और बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद देवदास आप्टे से, जो इस उम्र में भी योग के कारण पूरी तरह से फिट हैं और उनकी हेल्थ को देखकर शायद ही कोई उनकी उम्र का अंदाजा लगा सके। परफेक्शन के साथ योगा करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और देवदास आप्टे जिस तरह इस उम्र में भी योगासनों को परफेक्शन के साथ करते हैं वो काबिले तारीफ है। करीब 60-65 साल हो गया मेरी पढ़ाई लिखाई नागपुर में हुई, तो नागपुर में उस समय एक योगी बाहर से आए थे, उनका नाम था जनार्दन स्वामी। बाद में आगे चलकर उन्होंने नागपुर में योग का काफ़ी प्रचार किया और अब उनके नाम से एक वहाँ बहुत बड़ा योग मंदिर भी बना है। मैं जब तक पढ़ाई कर रहा था और बाकी साल दो साल नागपुर में था तब तक उनके संपर्क में था। बाद में 1963 में संघ का प्रचारक बन गया तो मैं चला गया आसाम। प्रचारक जीवन में रहते हुए भी मैंने अपना योग का अभ्यास जो था या आदत जो थी जारी रखी, छूटी नहीं। कभी छूट जाती थी प्रवास में, फिर मैं उसको नियमित कर लेता था। सर, 85 साल की उम्र में आप पूरा परफेक्ट तरीके से योगा कर पाते हैं, इसका क्या कारण है? दो कारण हैं। एक तो नियमित करते रहना, तो शुरू में प्रचारक जीवन में तो खान पान का, भोजन का, बाकी चीज़ों का ध्यान कम रहता था, परंतु जब से मैं दिल्ली में स्थायी निवास कर रहा हूँ तब से मैंने उसका भी थोड़ा ध्यान रखा है। उस कारण आज भी इतनी उम्र में शरीर के सारे स्नायु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा उनको आज भी मैं मोड़ सकता हूँ, रख सकता हूँ। नियमित व्यायाम ही उसका कारण है। सर, सुबह उठने से लेकर और योग करने तक की जो आपकी प्रक्रिया है वो क्या रहती है? कुछ लेते हैं, खाते पीते हैं उससे पहले, योग करने से पहले? नहीं, सवेरे उठ मैं साधारणतः 5-5:15 बजे उठता हूँ। उठने के बाद 2 गिलास सुसुम पानी पी लेता हूँ, फिर बाकी सारे सवेरे के काम निपटने के बाद स्नान कर लेता हूँ। 8 बजे योग के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो 8 से साधारणतः 9:30 योग और प्राणायाम ये दोनों मिलाकर लग जाता है। सर, योग करने के बाद का क्या रूटीन रहता है? उसके बाद कुछ खाते हैं? हाँ, योग के बाद प्राणायाम के बाद 9:30 बजे मैं भोजन कर लेता हूँ। मेरा भोजन निश्चित है, दाल भात सवेरे, फिर मैं दिन में नहीं खाता। 4 बजे चाय पीता हूँ तो एक आध बिस्किट खा लिया, रात में 2 रोटी खाता हूँ। सर, प्रतिदिन जो आप योग करते हैं उसमें प्राणायाम, पद्मासन वगैरह यही शामिल रहते हैं या फिर आप अलग अलग दिन के हिसाब से बदल के भी करते हैं कि कभी प्राणायाम हो गया, योग में पद्मासन हो गया, फिर अगले दिन कोई और योग, ऐसा रहता है? नहीं, प्राणायाम तो मैं रोज करता हूँ, अनुलोम विलोम साधारणतः 20 मिनट और कपालभाति 10 मिनट, तो आधा घंटा तो इसमें जाता है। सर, नियमित योगासन से आपको अपने शारीरिक रूप से अपने आप में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? शारीरिक रूप से परिवर्तन तो एक तो यही सबसे बड़ा है कि इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी मैं शरीर जैसा चाहे वैसा मोड़ सकता हूँ, झुका सकता हूँ। तो उसके कारण बढ़ती उम्र में साधारणतः जो व्याधियाँ उत्पन्न होती है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द,
या गर्दन में कोई समस्या, तो सारी मुझे आज तक तो भगवान की दया से कृपा से हुई नहीं। कभी आपने सार्वजनिक तौर पे योगा के कार्यक्रमों में भाग लिया है? तो मैं तो संघ का प्रचारक हूँ, इस नाते प्रसिद्धि के साधनों से माध्यमों से मैं हमेशा काफ़ी दूर रहा। काफ़ी लोगों ने बहुत प्रयास किए पर मैं उसमें कभी गया नहीं। योग मैं कर रहा था स्वयं अपने मन की शांति के लिए, समाधान के लिए, और जो लोग मेरे संपर्क में आए, जिन लोगों ने सीखा, उसमें से काफ़ी लोगों ने इसको स्वीकार किया और वो आज भी उसको जारी रखा है उन्होंने। सर, अपनी उम्र के लोगों को जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, जो यदि चाहते हैं तो सबसे पहला काम है कि उनको निश्चय करके, मन की तैयारी करके प्रारंभ करना। और शुरू में केवल अपने हाथ फैला लिए, फिर नज़दीक लिए, फिर फैला लिए, पैर फैलाए, फिर नज़दीक लिए, इतना भी काम आपने रोज किया तो शरीर के जो स्नायु है, मसल्स है, उनको जितना आप ढीला कर सके उतना आपको फायदा होगा, उतना आसन करने में सुविधा होगी। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो योग से ज़्यादा जुड़ नहीं रही है, योग से बचते हैं लोग, युवा पीढ़ी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो योग से जुड़े? भाई, आज की युवा पीढ़ी को तो मैं यही कहूँगा कि नियमित जीवन ये बहुत ज़रूरी है। इतने वर्षों के अनुभव के बाद मैंने ये पाया, सीखा है कि भगवान ने जो शरीर दिया है उसकी भी कुछ आवश्यकताएं होती है। केवल आहार या भोजन, पानी पीना, इतनी उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी और कुछ आवश्यकता होती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज़, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।